2025 आने में सिर्फ थोड़ा सा समय रह गया है और हमारा समुंदर जितना सिलेबस सिर्फ बाल्टी जितना पूरा हुआ है। और आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट यही सोच रहे हैं कि इतने कम समय में हम इतना ज़्यादा सिलेबस कैसे कंप्लीट कर पाएंगे। मैंने तो अभी तक 20 से 30% सिलेबस किया है, मुझे तो अब तक कुछ भी नहीं आता, मैं एग्ज़ाम में कैसे 90+ स्कोर करूँगा। तो भाई पहले तो आंसर सुन लो, क्या इतने कम समय में इतना सारा सिलेबस करना पॉसिबल है या नहीं? तो भाई आंसर मैं रियलिटी बता रहा हूँ, आंसर है एकदम यस। तो अब सवाल आता है कैसे? तो वैसे तो बिल्कुल भी नहीं होगा जैसे तुम अब तक करते आ रहे हो। तो इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें 3 ऐसी टेक्निक्स बताने वाला हूँ जिन्हें अगर तुम फॉलो कर लेते हो तो तुम्हारा जो 20 से 30% सिलेबस अभी कंप्लीट हुआ है वो आने वाले समय में 80 से 90% एकदम इफेक्टिव तरीके से कंप्लीट हो जाएगा विद रिवीजन के साथ। और वो कैसे होगा वो इस वीडियो में तुम्हें पता चलने वाला है। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को अगर तुम स्पीड बढ़ाकर देखना चाहो तो देख सकते हो, लेकिन एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अगर तुमने एक भी टेक्निक्स मिस कर दी ना फिर तुम्हारे कम ना जाने एग्जाम आ जाएंगे और फिर तुम सिलेबस ही कंप्लीट करते रह जाओगे और तुम्हारा एक बार भी रिवाइज नहीं होगा। तो सबसे पहले नंबर 1 टेक्निक्स आती है, वो आती है भाई पैरेटोस प्रिंसिपल। अब आप सबने ये प्रिंसिपल तो सुना होगा लेकिन इसको यूज कैसे करते हैं ये आपको नहीं पता। इसका जो अदर नेम है वो है 80-20 रूल, और ये तो मैं जानता हूं 100% आपने सुन रखा होगा, हर कोई यूट्यूबर आपको यही बता के चला जाता है भाई 80-20 रूल फॉलो करो, लेकिन करना कैसे है वो तुम्हें नहीं पता होता एक्चुअल में, ठीक है। अब तुम्हें क्या है, 20% ऐसे टॉपिक होते हैं हर एक चैप्टर में से जिनमें से 80% पोर्शन कवर हो जाता है। तो अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें है ना सिर्फ 20% एफर्ट लगाने हैं जिससे तुम्हारे 80% तुम्हें रिजल्ट मिल जाएगा। अब वो 20% एफर्ट कहां लगाना है वो तुम्हें पता होना चाहिए। अब तुम गलत जगह 20% एफर्ट लगाओगे तो भाई 80% रिजल्ट कैसे मिलेगा, मेन चीज ये होती है। तो अब देखो 20% एफर्ट कहां पे लगाना है, सबसे पहले क्या करना है। अब देखो मैं किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए टारगेट नहीं कर रहा हूं, अगर तुम क्लास 10th के स्टूडेंट हो तब भी तुम्हारे लिए बेनिफिट करेगी वाली वीडियो, 11th की हो 12th की हो किसी भी क्लास से हो, बस तुम स्टूडेंट होने चाहिए इस वीडियो को देखने के लिए। तो सबसे पहले तुम्हें करना है हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फाइंड आउट कर लेने हैं, क्योंकि हमारा सिलेबस समुंदर जितना है और हमारे पास समय बहुत कम है। तो 100% सिलेबस करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, और मैं ये कहूँगा ये एक बेवकूफ़ी होगी अगर तुम 100% सिलेबस कंप्लीट करने के लिए टारगेट कर रहे हो, क्योंकि भाई 100% सिलेबस करने से जरूरी नहीं है तुम्हारे 100% मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन हाँ 80% सिलेबस कंप्लीट करने से मैं तुम्हें डेफिनेटली कह सकता हूँ तुम्हारे 90% मार्क्स जरूर आ जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फाइंड आउट करने के बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये देखना है कि मेरे को कितने चैप्टर्स आते हैं और मेरे कितने चैप्टर्स पेंडिंग है, ठीक है। जो चैप्टर्स तुम्हें आते हैं उनको एक साइड रखो, काउंट कर लो, और दूसरे चैप्टर जो पेंडिंग है उनको एक साइड रखो। अब जो पेंडिंग चैप्टर्स है ना उन पेंडिंग चैप्टर में से तुम्हें वो सब टॉपिक्स फाइंड आउट करने हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से CBSE हर साल सवाल डालता ही डालता है। अब इसका तरीका मैं बताता हूं तुम्हें कैसे पता चलेगा। तो तुम्हें क्या करना है, सिंपली जिस भी चैप्टर के तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर एनालिसिसमेंट करना है कि इस चैप्टर में से कितना सवाल आता है, तो तुम्हें करना है फॉर एग्जांपल के लिए मैं फिजिक्स की मान के चलता हूं, क्लास 12th में अगर आप हो तो आप कर सकते हो फॉर एग्जांपल कि आपने डाला इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लास 12th फिजिक्स एनालिसिस CBSE PYQ ऐसे करके डाल देना, ठीक है। तो इसमें से आपको पता चल जाएगा, और भाई ये तो मैं भी बता सकता हूँ इतने एक्सपीरियंस के साथ कि कहाँ से सवाल आते ही आते हैं, ठीक है। लेकिन हर एक चैप्टर का कवर करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो वो किसी और वीडियो में रख लेंगे। लेकिन अभी आपके लिए प्रायोरिटी है कि आपको सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है वो तरीका देखना। तो आपको ना हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेने हर एक चैप्टर्स के, और जो कंप्लीट चैप्टर हो चुके हैं उनके PYQ करना स्टार्ट कर देना है, साथ साथ में आपकी पैरेलल रिवीजन भी चलती रहेगी जो चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं, और जो चैप्टर आपके न्यू है उनको वन शॉट के थ्रू करके, और जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं उन्हीं के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, बाकी का तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। तो ये हो गई आपका 80-20 रूल कैसे लगाना है, वो मैंने तुम्हें तरीका बता दिया। अब दूसरा जो तरीका आता है वो आता है हमारा प्रोकास्टिनेशन का। अब प्रोकास्टिनेशन को कैसे अवॉइड करा जाए उसकी भी मैं तुम्हें एक टेक्निक्स बताता हूँ। वो टेक्निक्स है भाई डेडलाइन टेक्निक्स। अब ये डेडलाइन टेक्निक्स क्या है भैया, ये जरा बताना हमें। तो भाई अब देखो तुम्हारी ना दिवाली की छुट्टियां पड़ी थी, तुमने अक्सर नोटिस किया होगा जो तुम्हें अभी जो काम मिला था दिवाली का, हॉलीडे होमवर्क मिला होगा, किसी को कुछ मिला होगा, किसी को कुछ मिला होगा, किसी का असाइनमेंट मिलोंगे, तुमने अक्सर ये नोटिस किया होगा कि अभी तक तुमने दिवाली की छुट्टियों में बहुत मौज मस्ती कर ली। जैसे ही मंडे को तुम्हारा स्कूल खुलने वाला होगा तो तुमने क्या करा होगा, संडे से पूरा कवर कर लिया होगा, क्योंकि डेडलाइन आ चुकी थी और तुम्हें पता चल गया था कि भाई इस मंडे को स्कूल जाना है तो होमवर्क हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ अब तुम संडे को तुमने फुल डेडिकेशन के साथ, फुल डिसिप्लिन के साथ अपना होमवर्क कंप्लीट किया होगा। क्यों? क्योंकि डेडलाइन हमारे सर पर थी और हमें पता था कल स्कूल जाना है, अगर होमवर्क नहीं किया तो डांट मारेगी टीचर या फिर बेइज्जती होगी क्लास के सामने। ये होती है भाई डेडलाइन टेक्निक्स। तो इसी तरीके से तुम्हें करना है। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, पेपर और पेन लेके नहीं बैठते और उनको नोट डाउन करने में आलस आता है, लेकिन फ़ोन हर कोई लेके बैठता है। तो तुम क्या कर सकते हो, तो फ़ोन में नोट पैड होता है ना उसमें ही आपको लिख लेना है, ठीक है, उसमें ही आपको लिखना है कि कल मैं ये चैप्टर्स पढ़ूंगा
और जो चैप्टर तुम्हें 2 दिन पढ़ने में लग रहे हैं उस चैप्टर की तुम्हें डेडलाइन रखनी है, 1 दिन कंप्लीट करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। मान लो भाई बड़ा चैप्टर है, उसमें 3 दिन भी लग सकते हैं, तो जिसमें 3 दिन लग रहे हैं तुम्हें उसमें 2 दिन की डेडलाइन रखनी है। फॉर एग्जाम्पल के लिए तुमने ट्यूजडे टारगेट बनाया कि भाई ट्यूजडे को मैं अपना चैप्टर्स कंप्लीट करूंगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला जो चैप्टर है फिजिक्स का, ठीक है। ट्यूजडे को मैं स्टार्ट करूंगा और मैं अपना थर्सडे तक कंप्लीट कर लूँगा विद एग्जाम्पल के साथ, विद क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो तुम्हें कोशिश करनी है, आप देखो ईएमआई वाला ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, तुम थर्सडे का टारगेट बनाओगे तो तुम्हें डेडलाइन रखनी है भाई मुझे वेडनेसडे तक कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से अगर तुम डेडलाइन टेक्निक्स आजमाओगे तो तुम अपना सिलेबस जल्दी कंप्लीट कर लोगे विद इफेक्टिव तरीके के साथ। अब देखो सिलेबस कंप्लीट का मतलब ये नहीं कि तुमने चैप्टर्स पढ़ लिया और तुम्हें ये भ्रम होगा कि मेरा ये चैप्टर्स कंप्लीट हो गया, नहीं, ये गलतफहमी बिल्कुल भी मत पालना, क्योंकि ऐसे चैप्टर तुम देखते जाओगे देखते जाओगे देखते जाओगे लेकिन जब सैंपल पेपर उठाओगे तुम्हें एक भी सवाल नहीं बनेगा, तो क्या फायदा हुआ ऐसे सिलेबस कंप्लीट करने का। अगर तुम्हें भाई रिजल्ट चाहिए ना तो हाथ के साथ साथ दिमाग भी चलाना पड़ेगा, जब भी तुम्हें रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अगर सिर्फ हाथ ही चलाते रहोगे दिमाग नहीं चलाओगे तो रिजल्ट नहीं मिलने वाला। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, जो भी चैप्टर तुम कंप्लीट करते हो उसको इस तरीके से कंप्लीट करना है कि जब हम रिवाइज करने बैठे तो तुम हमारे सारे कॉन्सेप्ट याद आ जाए, हमें दोबारा से पूरा चैप्टर उठा के देखना ना पड़े। तो अभी तक मैं तुम्हें 2 टेक्निक्स बता चुका हूं, पहला 80-20 रूल वाली और दूसरी है हमारी डेडलाइन टेक्निक्स। अब तीसरी जो टेक्निक्स आती है वो आती है टाइम एनालिसिस की। अब टाइम एनालिसिस से क्या है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ये लगता है कि भाई हमें टाइम नहीं मिलता, क्योंकि हम ना 8 घंटे तो सोते हैं, 8 घंटे आने जाने में ये हमारे स्कूल में निकल जाते हैं और 2-3 घंटे की कोचिंग होती है और भाई इतना कुछ करने के बाद हम थक जाते हैं, हमारे माइंड पे इतना प्रेशर होता है, हम पढ़ ही नहीं पाते तो हम सो जाते हैं। तो भाई मैं ना तुझे एक रियलिटी बताऊंगा, तुझे पता चल जाएगा तू कहाँ टाइम वेस्ट कर रहा है। टाइम एनालिसिस मैन कहते हैं इसे, टाइम को कैसे एनालाइज करना है कि हमारा कौन सा समय जो हमारा मेन प्रीशियस टाइम है वो कहाँ जा रहा है। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है, जब तुम अपना स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो तो उसमें क्या करना है, तुम्हें स्क्रीन टाइम को अपनी होम वॉलपेपर पे लगा लेना है, ठीक है। अभी अभी भी तुम चाहो ना तुम चेक कर लेना तुम्हारा स्क्रीन टाइम लास्ट 7 डेज का कितना आया होगा। मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ 7 to 8 आवर आपका निश्चिंत रूप से आया होगा, 7 to 8 आवर्स हर एक दिन का बता रहा हूँ, एवरेज टाइम, एवरेज स्क्रीन टाइम। और ये स्टडी के रिपोर्ट के अनुसार भी बता दूँ तो भाई जो एक एवरेज हुमन है उसका जो स्क्रीन टाइम है ना 5 to 6 आवर्स है, और हम स्टूडेंट्स का, हम यूथ का तो भाई 8 to 9 आवर्स एवरेज ड्यूरेशन है डेली का, ठीक है। तो भाई अब कुछ स्टूडेंट्स होंगे भाई स्टडी में लगाते हैं, ऑनलाइन लेक्चर देखना होता है तो उनका एवरेज टाइम ज़्यादा होता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं ना जो स्टडी में लेक्चर देखते हैं ऑनलाइन, ना यूट्यूब में पढ़ाई करते हैं, सिर्फ इंस्टाग्राम की रील्स स्क्रॉल करने में ही इतना टाइम ड्यूरेशन उनका हो जाता है। अगर तुम एक ऐसे स्टूडेंट हो भाई जिन्हें रील्स देखने में इंटरेस्ट ज़्यादा है रैदर देन ऑनलाइन लेक्चर देखने में, तो मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ कि तुम जो ट्रैक फॉलो कर रहे हो ना वो तुम्हें है ना फरवरी में रियलाइज होने वाला है। तो अभी से मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुमने जितना ज़्यादा रील्स देखोगे तुम्हारा जो मार्क्स है ना उतने ज़्यादा कम होते जाएंगे। ये सिंपल सा फंडा मान के चलना तुम फिजिक्स का, रील्स, मोर नंबर ऑफ रील्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नहीं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू योर मार्क्स। तो इस तरीके से तुम्हें अपने टाइम एनालिसिस करके चलना है कि तुम्हारा स्क्रीन टाइम कहाँ जा रहा है, तो उस टाइम के अकॉर्डिंग तुम्हें प्रायोरिटी सेट करनी है कि हमारे लिए इस समय प्रायोरिटी क्या है, रील्स देखना प्रायोरिटी है या हमारा सिलेबस कंप्लीट करना प्रायोरिटी है। तो इस समय से तुम्हें ना प्रायोरिटी वाइज अपना टाइम डिसाइड करना पड़ेगा। ज़्यादा लॉन्ग टर्म गोल नहीं बनाने हैं तुम्हें, ना शॉर्ट गोल बनाने हैं और रियलिस्टिक गोल बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको है ना 1 वीक भी गोल मत बनाना कि भाई मैं 1 हफ्ते में 4-5 चैप्टर कंप्लीट कर लूँगा, नहीं, तुम्हें करना है मुझे 3 दिन में 1 चैप्टर कंप्लीट करना है, फिजिक्स का 1 चैप्टर कंप्लीट करना है, केमिस्ट्री का 1 चैप्टर कंप्लीट करना है, 2 सब्जेक्ट का कम्बिनेशन बना के चलना। 3 सब्जेक्ट लोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा और माइंड पे भी प्रेशर पड़ेगा। अब तुम क्या सोच रहे हो कि भाई हमने स्टार्टिंग से लेकर अभी तक पढ़ाई नहीं करी और हम आने वाले कुछ 1 से 1.5 महीने में पूरा ब्रेन को अंदर धमका देंगे और कैप्चर कर लेगा हमारा ब्रेन, तो भाई ये तुम्हारी गलत फहमी है। इसको मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके स्कूल में ट्रिप जा रहा है लेकिन कंडीशन ये है वो फ्री है, ठीक है, और उसके भी सुपर कंडीशन ये है कि सिर्फ तुम्हें ना 1 बैग ले जा सकते हो, वो भी मिनी बैग। अब तुम्हारे माइंड प्रेशर आएगा कि भाई मैं इसमें ऐसा क्या डालूं कि जो मुझे पसंद हो और जो मेरा काम भी आ जाए और जो ट्रिप है वो आपकी 2 दिन की है, तो आप ये सोचने पे मजबूर हो जाओगे भाई इसमें मुझे छोटी से छोटी चीज़ डालनी पड़ेगी ताकि ये मेरे काम भी आ जाए और जो मुझे रिक्वायरमेंट है वहाँ इस ट्रिप पे तो वो मेरे सही भी रहे। तो इसी तरीके से आपको इमेजिन करके चलना है जो हमारा ब्रेन है ना वो इस तरीके से वो बैग ही है, तो उस बैग में हम कितना कुछ डाल सकते हैं वो तुम्हें देखना है भाई। अब ब्रेन भी हमारा उस बैग की तरह है, अब उसमें सब कुछ तो नहीं भर सकते, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही भरेंगे जैसे तुमने ट्रिप के लिए भरी थी बैग में, इस तरीके से ब्रेन में भी हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही भरनी है जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड है, ना कि फालतू का कचरा भरना है।
तो इसलिए हर एक चैप्टर के कुछ बकवास टॉपिक्स होते हैं जहाँ से सवाल नहीं आते। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं तुम्हें बता भी देता हूँ, अगर तुम क्लास 11th के स्टूडेंट हो तो तुम क्या कर सकते हो, केमिस्ट्री में जो रिडॉक्स चैप्टर है उसमें से सिर्फ केमिकल रिएक्शन वाला जो बैलेंस करने का है वो आता है। अगर तुम क्लास 12th के स्टूडेंट हो तो फिजिक्स में तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला चैप्टर हो गया, उसमें से एक मार्क्स का क्वेश्चन आता है फ्रीक्वेंसी वाला और वेव लेंथ में ऑर्डर बताने वाला, ठीक है। तो उस चैप्टर पे हमें क्यों टाइम देना है, तो ऐसे ही तुम्हें चैप्टर फाइंड आउट करने हैं, जो चैप्टर्स की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उनको ही हमें टाइम देना है। तो यही तरीका है तुम्हारी, ये तीन जो टेक्निक्स मैंने तुम्हें बताई है ना, अगर तुम इन्हें फॉलो कर लेते हो तुम्हारा जो सिलेबस है ना वो 31 दिसंबर से पहले कंप्लीट होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अब चांसेस मैं क्यों कह रहा हूँ, ये डिपेंड करता है आप पर, तुम अपना कितना प्रोडक्टिव आवर्स अपनी स्टडी में लगा रहे हो और कितने प्रोडक्टिव आवर तुम अपने रील स्कोर करने में लगा रहे हो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो टेक्निक्स वीडियो बताई गई है ना वो एकदम इफेक्टिव साबित होंगे और तुम इनको फॉलो कर लेते हो। तो आई होप तुम्हें वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।